नमस्कार फ्रेंड, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ ये हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी सारी प्रॉब्लम आती है उन सारी प्रॉब्लम के बारे में, जैसा कि आप दोस्तों ने देखा कि मैंने एक एक करके सारा आपको वीडियो बता रहे हैं, या अभी तक जो अपना वीडियो जो चल रहा था वो मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी सारे जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, मैंने उसके बारे में मैंने आपको वीडियो दिया कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, जैसे रजिस्टर है, कैपेसिटर है, क्वाइल है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांसफॉर्मर है, क्रिस्टल है, स्पीकर, रिंगर, माइक, मतलब टोटली अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर देखा जाए तो जितने भी सारे जो कंपोनेंट लगे होते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करते हैं वो सारा सब कुछ मैंने वीडियो में आपको समझाया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा पीसीबी में। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख रहे थे। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास जितने भी सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ये सारे कंपोनेंट्स आपस में काम कैसे करते हैं, इनका काम करने का तरीका क्या होता है, इनका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं, कैसे इनकी वर्किंग होती है। तो कुल मिलाकर के जो कंपोनेंट्स के बारे में जितना भी सारा सब कुछ हमने सीखा था उसके हम लोग आगे का पार्ट सीखने वाले हैं कि मतलब उनको कैसे चेक करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, और इसके बारे में फिर हम एक एक करके पूरा प्रैक्टिकली का हम आपको वीडियो हम आपको स्टार्ट करेंगे कि जितना भी सारा सब कुछ जो हमने बेसिक सीखा हुआ है इसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे रिपेयरिंग करेंगे, मतलब इनको ठीक कैसे करेंगे, इनको चेक कैसे करेंगे, इसको निकाल करके लगाएंगे, कितना मशीन का टेम्परेचर होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आपको देंगे। जैसे मैंने आपको पहले दिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हुआ था कि हम लोग जो क्लास के बारे में हार्डवेयर का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कि हार्डवेयर के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन के अंदर मदरबोर्ड के अंदर प्लेट के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग सीख रहे हैं। हमने सारे कंपोनेंट्स के बारे में सीखा, हमने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आईसी लगी होती हैं उनको पहचानने का तरीका, कौन सा सप्लाई कहाँ पर कितने कितने वोल्टेज जाते हैं, उन सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं वीडियो में आगे। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं मोबाइल फ़ोन के आगे का जो क्लास स्टार्ट होगा ये अपना ट्रेसिंग का क्लास है। ट्रेसिंग का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन में हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फॉल्ट आते हैं, जो कमी आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कैसे चेक किया जाएगा, कमी को कैसे रिपेयर किया जाएगा, ये सारा सब कुछ आज हम लोग वीडियो में जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रेसिंग के सिलेबस में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, मतलब जो ट्रेसिंग का जो मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आपको ट्रेसिंग क्लास में हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाले हैं, ताकि उन सब चीज़ों को सीख करके देख करके समझ सकें कि मोबाइल फ़ोन का कितना आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ ये बिल्कुल हमारे जो न्यू स्टूडेंट हैं या फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो इस लाइन में काम कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लाइन में जीरो हैं, या वो आज अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप चला रहे हैं लेकिन वो अच्छी तरीके से मोबाइल फ़ोन को रिपेयर नहीं कर पाते, उनके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो उन्होंने कॉम्बो बदल दिया, टच बदल दिया, डिस्प्ले बदल दिया या यूआई बदल दिया, इस तरीके से ऐसा कुछ भी काम कर देते हैं तो उसी काम करने को ही वो लोग रिपेयरिंग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में रिपेयरिंग तो वो होती है जो मदरबोर्ड की रिपेयरिंग किया जाए, जो सर्किट सप्लाई को बनाया जाए, ये सारा सब कुछ जो होता है हमारे रिपेयरिंग में आता है। तो चलिए हम लोग ट्रेसिंग क्लास का हम आपको बताते हैं कि ट्रेसिंग क्लास में हम लोग आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आज हम आपको वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या है, ट्रेसिंग क्लास में हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उस मोबाइल फ़ोन में फॉल्ट कैसे फाइंड किया जाएगा। फॉल्ट का मतलब होता है कमी, हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन में कमी को चेक कैसे किया जाएगा या कमी को चेक करने का तरीका क्या है, ये मैं आपको वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहली बात क्या, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फॉल्ट्स आते हैं उनको रिपेयरिंग करने के लिए सर हम लोग आपको तीन तरीके हम आपको समझाते हैं, तीन तरीके से रिपेयरिंग समझाते हैं जिससे आप मोबाइल फ़ोन के अंदर ट्रैक में होने वाली कमी को या सप्लाई लाइन को आप एक एक करके पूरा फाइंड कर सकते हैं, पूरा प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है जिसको हम लोग बेसिक चेकिंग बोलते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है
कि कैसे मोबाइल फ़ोन में रिपेयरिंग किया जाएगा, या मोबाइल फ़ोन को चेक करने का तरीका क्या है, या सप्लाई लाइन कैसे ढूंढा जाएगा, ट्रैक को कैसे पहचाना जाता है, कौन सा ट्रैक कहाँ से जुड़ा होता है, इन सब चीज़ों का जो इंटरनली जो स्ट्रक्चर होता है काम करने का, रिपेयरिंग का तरीका क्या है, तो बेसिक चेकिंग। और उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस कि हम कैसे इतने सालों से मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर रहे हैं, कैसे फॉल्ट को ढूंढ रहे हैं, क्या ख़राब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सारा सब कुछ होता है, ये हम आपको सिखाते हैं। ये अपना पहला स्टेप होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है बोर्नियो सिमेटिक, कि हम लोग सिमेटिक के माध्यम से मोबाइल फ़ोन में आने वाले फॉल्ट को, ट्रैक को कैसे चेक किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं, जिसको हम लोग PDF रीडिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सप्लाई सर्किट को चेक करना, ये सारा सब कुछ जो होता है हम लोग बोर्नियो सिमेटिक के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। तीसरा तरीका होता है कि अगर हमको, मान लिया अगर ये दोनों तरीके अगर हमारे किसी वजह से फेल हो जाते हैं, या ऐसा बोर्ड नहीं हो पाता, अगर ऐसा इनकेस कभी हो जाता है, तो उसे बोलते हैं PCB to PCB चेक करना। PCB to PCB चेक करना ये अपना क्या होता है, तीसरा तरीका होता है। मतलब एक बोर्ड से, एक मदरबोर्ड से दूसरे मदरबोर्ड में कैसे चेक किया जाएगा, उसका तरीका जो रहता है उसे बोलते हैं PCB चेकिंग। तो हमने आपको बताया कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं वो कैसे, बेसिक टेस्टिंग क्या होती है, हम लोग कैसे मोबाइल फ़ोन में रिपेयरिंग करते हैं, हमारा रिपेयरिंग करने का तरीका क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, ग्राउंड रीडिंग क्या होती है, सप्लाई वोल्टेज क्या होते हैं, ट्रैक क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद बोर्नियो सिमेटिक से कैसे प्रॉब्लम को ठीक करते हैं उसके बारे में सीखेंगे, PCB to PCB चेकिंग कैसे किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो ये सारा सब कुछ रहता है, ये हम लोग फॉल्ट फाइंडिंग करना सीखते हैं, ट्रैक को चेक करना सीखते हैं, यानी रिपेयरिंग को करना सीखते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, ये सारा चीज हम लोग ट्रेसिंग क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेसिंग क्लास में क्या क्या फॉल्ट्स हैं, उनको कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे सीखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि आज के वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि मोबाइल फ़ोन में आने वाली कमियों को हम लोग सीखने कैसे वाले हैं, मतलब उसको रिपेयरिंग का तरीका कैसे सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले चीज़ जो हम लोग सीखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक चेकिंग, जैक टेस्टिंग, IC, इंटरनल वर्किंग, इनपुट आउटपुट, वोल्टेज, चार्जिंग सॉल्यूशन, स्पीकर, रिंगर, माइक सॉल्यूशन, चार्जिंग सॉल्यूशन, स्पीकर, रिंगर, माइक सॉल्यूशन, कीपैड सॉल्यूशन, नेटवर्क सॉल्यूशन, सिम कार्ड सॉल्यूशन, सिम कार्ड सॉल्यूशन, मेमोरी कार्ड, हैंड फ्री, डिस्प्ले एंड लाइट,
टच स्क्रीन, कैमरा, वाईफाई, ऑन ऑफ, वॉल्यूम, सेंसर, सेट डेड, लाइव प्रैक्टिकल, मार्केट, रिपेयर टिप्स, सिमेट्री, पीडीएफ, ईटीसी। तो इस तरीके से हम लोग मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम आती हैं, जो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कमी आती हैं, जो फॉल्ट्स आते हैं, वो सारा सब कुछ जो दोस्तों हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो ट्रेसिंग क्लास में आपको इतना सारा सब कुछ मिलने वाला है कि ये जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फॉल्ट्स आते हैं, वो सारे फॉल्ट को हम लोग ट्रेसिंग क्लास में एक बार सीखने वाले हैं। तो देखिए, मैं एक बार वीडियो में आपको अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ, एक बार सारा डिटेल में आपको समझाता हूँ क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसे ट्रैक चेकिंग, जैक टेस्टिंग, आईसी की पहचान, चार्जिंग सॉल्यूशन, स्पीकर रिंगर माइक सॉल्यूशन, कीपैड सॉल्यूशन, नेटवर्क सॉल्यूशन, सिम कार्ड, उसके बाद जब आप इधर आ जाएंगे तो मेमोरी कार्ड, हैंड फ्री, डिस्प्ले लाइट, टच स्क्रीन, कैमरा, वाईफाई, ऑन ऑफ वॉल्यूम, सेंसर, सेट डेट, लाइव प्रैक्टिकल, मार्केट, रिपेयर टिप्स या सिमेटिक या पीडीएफ। तो इतना सारा सब कुछ जो है ये हम लोग ट्रेसिंग क्लास में सीखने वाले हैं। तो मतलब ट्रेसिंग क्लास में जो भी मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम आएंगी, उन सारी प्रॉब्लम को हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं। अब हम आपको जो दोस्तों जो वीडियो देंगे, वो मोबाइल फ़ोन में आने वाले फॉल्ट को कैसे चेक किया जाएगा, कमी को कैसे रिपेयर किया जाएगा, कमी को ठीक करने का तरीका क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको वीडियो आपको दूंगा। तो आज की वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं और आगे इन सब चीज़ों के बारे में एक 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 करके लेटेस्ट आपको वीडियो अपडेट आपको मिलेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि इन सब चीज़ों के बारे में देख करके आप समझ सकें और सीख सकें कि आप ये देखें कि मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना कितना आसान है, कितना आसान तरीके से हम लोग मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद इन सब चीज़ों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे ताकि प्रैक्टिकल तरीके से इन सब चीज़ों को समझ सकें, जानकारी ले सकें, इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही कि हम लोग ट्रेसिंग के सिलेबस के बारे में जाना है कि क्या क्या सारी चीज़ें जो हैं जो हम लोग इस क्लास में आगे सीखेंगे। तो आगे की वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, जो सबसे पहले जो हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो हम लोग ट्रैक चेकिंग कि मोबाइल फ़ोन में ट्रैक कैसे चेक किया जाता है, मोबाइल फ़ोन में लाइन की चेकिंग कैसे करी जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको वीडियो आपको देने वाले हैं। तो आज की दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही ताकि सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ सकें। तो वीडियो में आप इन सब चीज़ों को समझें, इससे संबंधित हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप इसके डिटेल में जा करके देख सकते हैं। एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में, कोर्स के इन्फॉर्मेशन के बारे में, जानकारी के बारे में, या इंस्टीट्यूट में क्या क्या सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्या क्या टूल्स मिलेगा, जो भी सारी फैसिलिटी हो वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चाहो तो वहाँ पर वीडियो के माध्यम से उसको देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में और ट्रैक चेकिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे, कैसे ट्रैक को बारे में हम लोग चेक किया जाएगा, ये ट्रैक को कितना आसानी के साथ में हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग आगे की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारे पास एक वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं कालीचरण, जिन्होंने आज समझ लीजिए उनको समथिंग वेस्ट बंगाल से यहाँ तक आने में समझ लीजिए 24 घंटे या उससे भी थोड़ा ज़्यादा समय लग गया,
और आज उन्होंने फाइनली अपने कोर्स को स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है। तो उनके लिए बहुत सारी विशेष और वो अच्छी तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को कोर्स को सीख करके जाएंगे और आगे की वीडियो में जैसे अगर होगा क्लास कर रहे होंगे तो मैं आपको उनसे मुलाकात भी कराऊंगा, देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो भी बच्चे हैं वो सीख रहे हैं। तो आप भी अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग संबंधित अगर कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मात्र 45 दिन का कोर्स सिखाते हैं, 45 दिन के अंदर बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है और जो भी एक एक करके सारे फॉल्ट्स आते हैं उनको रिपेयर करने का तरीका क्या है। जो आज ऐसे भी बच्चे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं जो इस लाइन में जीरो, आज तक कभी उन्होंने आयरन नहीं पकड़ा और आज वो पूर्णतः अच्छी तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियो से संबंधित और जानकारी के लिए इसके चैनल में और भी वीडियो पढ़ी तो उन वीडियो को भी वॉच करें। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।